सपना? हाँ, जिसको जो कुछ देना है उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं दे दूंगी। हर महीना जो कुछ खर्च होता है उसके अलावा भी एक खर्च और है। क्या है? उन्होंने कर्ज लिया था जिसका हर महीना 100 रुपया ब्याज भरना पड़ता है। देखो दीदी, दूध और खाने पीने की चीजों का जो खर्च है उसे चुकाना हमारा फर्ज है, क्योंकि मैं और विजय भी इसी घर में रहते हैं। लेकिन उस कर्ज को जिसे तुम लोगों ने ना जाने कब लिया, किस लिए लिया, उसे इनकी मेहनत की कमाई से चुकाना इंसाफ नहीं है। सपना, जाने क्यों लिया था तुम्हारे पति ने वो कर्ज? हो सकता है उनमें कुछ बुरी आदतें हों। तुमने ठीक ही कहा, उन्हें एक बुरी आदत थी, तुम्हारे पति को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे, अपनी सेहत खराब कर ली और अपनी जिंदगी गवा बैठे। भाई, मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तो सीधी सादी बात करती हूँ, घर के खाने पीने का जो खर्च है वो मैं दे दिया करूंगी। हाँ, अब रहा तुम्हारा जेब खर्च, पान तम्बाकू, बच्चों को बिस्किट वगैरह खिलाना, तो रख लो ये 10 रुपए। मैंने ना तो जिंदगी में कभी पान खाया और ना ही मेरे बच्चों को बिस्कुट खाने का शौक है। मैं इन रुपयों का क्या करूं? तुमने जब घर संभाल लिया है तो ये रुपये तुम ही रखो।